टू एंड थ्री डायमेंशनल प्लॉट मैप्स एंड टेबल्स न्यूमेरिकल कंप्यूटेशन एंड रेशियोस रेशस पावर्स एक्सपोनेंट्स एंड लॉगोरिदम्स परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन सीरीज एंड मैंट्री एलिमेंट्री स्टेटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी उसके बाद फिर हमको जो नेक्स्ट सेक्शन है वो mention है एनालिटिकल एप्टीट्यूड उसमें हमको मेंशन लॉजिक डिडक्शन एंड इंडक्शन एनालॉजी न्यूमेरिकल रिलेशंस एंड रीजनिंग उसके बाद फिर हमको नेक्स्ट मेंशन है जो कि लास्ट है स्पेशल एप्टीट्यूड स्पेशल एप्टीट्यूड में हमको मेंशन है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ शेप्स ट्रांसलेशन रोटेशन स्केलिंग मिररिंग असेंबलिंग एंड ग्रुपिंग पेपर फोल्डिंग कटिंग एंड शनस है ना उसके बाद फिर हमको है सैंपल क्वेश्चन है, ना? हमको है में किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाएंगे और जैसे कि आपको पता है जनरल मल्टीपल चौस क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इसमें माइनस मार्किंग होती है यदि आपने वन मार्क्स का क्वेश्चन रोंग किया है तो वन बाई थर्ड मार्क आपके सही मार्क्स से डिडक्ट कर लिए जाएंगे टू मार्क्स का क्वेश्चन यदि आपने रोंग किया है

ये इन लोगों ने सैंपल दिए हमको ये देखो सेकंड क्वेश्चन ये है है ना अब ये थर्ड क्वेश्चन है अब नेक्स्ट पेज में फिर दिखाता हूँ और सैंपल्स दिए ये क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के जो है ये है देखो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में इस तरीके से देखो ये जो क्वेश्चन uh, पूछा गया है अपन को और उसके फोर ऑप्शन है ए बी सी डी है ना अब नेक्स्ट देखते हैं देखो ये फिर ये है एनालिटिकल एप्टीट्यूड एनालिटिकल एप्टीट्यूड में भी एक क्वेश्चन पूछा गया है उसके बाद फिर ये ऑप्शन है।, मतलब है ये देखो अब स्पेशल एप्टीट्यूड में ये, ये है।, है ना स्पेशल एप्टीट्यूड में भी आपको पता है स्पेशल एप्टीट्यूड क्या होता है जो पहले अपन लोग नहीं पढ़ रहे थे क्या क्या बोलते हैं अपने स्कूल में जो पढ़ा है अपन इस तरीके के जो डायग्राम रहते कि उसको फोल्ड कर दिए ये वो कर दिए कल्टवर्ट कर दिए है ना वो ऐसा नहीं करवाते थे कि अपनी स्कूल स्कूल में में आपने देखा होगा टीचर्स क्या करवाते थे एक एक अपने से कॉपी का कागज लेते थे उस कागज को फोल्ड कर देते थे फिर उसमें ट्रायंगल बना देते थे रेक्टेंगल बना देते थे ना कुछ कुछ करते थे ना बस वही है वही चीजें हैं कुछ नया नहीं है सब स्कूल में पढ़ा हुआ है है ना कोई आपको ऐसा नया नहीं है जो स्पेशल एप्टीट्यूड ओल्ड ही है ना स्कूल में हम लोगों ने पढ़ा है उसके बाद फिर आपको अब टेक्निकल सब्जेक्ट्स में आते हैं तो सबसे पहले आप को मेंशन है ये देखो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन गेट टू थाउजेंड ट्वेंटी फोर इंडियन साइंस बैंगलोर सबसे पहले हमको मैं इंजीनियरिंग है ना उसके बाद अपने सब्जेक्ट स्टार्ट होंगे इंजीनियरिंग के इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स आपको तो पता है कि इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स कितना आपका मतलब एक बहुत ही बेसिक है मतलब जो इंजीनियरिंग uh, मैथमेटिक्स के, uh, के थ्रू ही हम हमारे टेक्निकल सब्जेक्ट्स को समझते हैं ना तो यह लीनियर एलजेबर है फर्स्ट उसमें वेक्टर स्पेस बेसिस लीनियर डिपेंडेंट डिपेंडेंस एंड इंडिपेंडेंस मैट्रिक्स सेलजेवरा आइगन वैल्यूज एंड आइगन वैक्टर्स रैंक सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेश मैं कैलकुलस मीन वैल्यू थ्योरम्स थ्योरम्स ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस इल्यूएशन ऑफ डेफिनेट एंड इम्प्रूव इन प्रॉपर इंटेग्रल्स पार्सियल डेरिवेटिव मैक्सिमा एंड मिनिमा मल्टीपल इंटेग्राइन सरफेस एंड वॉल्यूम इंटेग्रल्स डिफरेंशियल इक्वेशंस फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशंस लीनियर एंड नॉन लीनियर हायर ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस कोचिस एंड यूलर्स इक्वेशंस मेथड्स ऑफ सॉल्यूशन यूजिंग वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन एंड पर्टिकुलर इंटीग्रल्स पार्सियल डिफरेंशियल इक्वेशंस वेरिएबल सेपरेबल मेथड इनिशियल एंड बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम्स उसके बाद फिर हम लोगों को मेंशन है वेक्टर analysis vector in plane and space vector operations gradient divergence and curl gauss greens and stoke theorems complex analysis analytic function cauchy's integral theorems cauchy's integral formula sequences series convergence tests taylor's and lorentz series residue theorems probability and statistics mean median mod standard deviation कॉम्बिन है कॉम्बिनेटोरियल का मतलब इसका मीनिंग ये जो है उसके बाद फिर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बायोनोमल डिस्ट्रीब्यूशन पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपोनशियल डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ज्वाइंट एंड कंडीशनल प्रोबेबिलिटी उसके बाद फिर है हम लोगों को नेटवर्क एड सिग्नल का जो हमारा सिलेबस है दोनों को मिक्स करके गिवन है जैसा कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में क्या किया जाता है एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स और डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स दोनों को मिक्स करके दिए जाते हैं ही नेटवर्क और सिग्नल का ये मिक्स है नेटवर्क एंड सिग्नल्स नेटवर्क सिग्नल्स एंड सिस्टम है ना उसमें सर्क्यूट एनालिसिस में नोड एंड मेस एनालिसिसपर पोजिशन थेम नोटन्स थोरम रेसी प्रोसिटी थियोरम साइनिटल स्टडी स्टेट एनालिसिस

डिस्क्रीट टाइम सिग्नल्स डी टी एफ टी डी एफ टी जेट ट्रांसफॉर्म डिस्क्रीट टाइम प्रोसेसिंग ऑफ कंटिन्यूस टाइम सिग्नल्स एल टी आई सिस्टम्स डेफिने डेफिनेशन एंड प्रॉपर्टीज कॉज़लिटी स्टेबिलिटी इम्पल्स रिस्पॉन्स कन्वल्यूजन पोल्स एंड जीरो फ्रिक्वेंसी रिस्पॉन्स ग्रुप डिले फेस डिले उसके बाद फिर हमको इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस है ना इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस एनर्जी बैंड्स इन इंट्रेंसिक एंड एक्सट्रेंसिक सेमी कंडक्टर्स कैरियर कॉन्सेंट्रेशन डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट बैंड सेमी कंडक्टर्स उसके बाद हमको कैरियर ट्रांसपोर्ट डिफ्यूजन करेंट ड्रिफ्ट करेंट मोबिलिटी एंड रेजिस्टिविटी जनरेशन एंड रेकोम रेकॉम्बिनेशन रिकॉम्बिनेशन ऑफ कैरियर्स पॉइजन एंड कंटिन्यूटी इक्वेशंस अब उसके बाद हम लोग क्या मेंशन है नेक्स्ट देखते हैं हम फोर्थ जो हम लोगों को मेंशन है आप उसके बाद फिर पीएन जंक्शन जेना डायोड बीजेटी मॉस कैपेसिटर मॉसफेड एलईडी फोटो डायोड एंड सोलर सेल उसके बाद फिर हमको मेंशन है एनालॉग सर्क्यूट इसमें है कि डायोड सर्क्यूट क्लिपिंग क्लैंपिंग एंड रेक्टिफायर बीजेटी एंड मॉसफेड एम्पलीफायर बाइसिंग एसी कपलिंग स्मॉल सिग्नल एनालिसिसक्वेंसी रिस्पॉन्स

ियल सर्क्यूट्स बोलियन अलजेवरा मिनिमाइजेशन ऑफ फंक्शन यूजिंग बोलियन आइडेंटिटीज एंड कर्न मैप लॉजिक गेट्स एंड देयर स्टेटिक सी मॉस इंप्लीटे इंप्लीमेंटेश अर्थमेटिक सर्क्यूट्स को मल्टीप्लेक्सर्स डिकोडर्स उसके बाद में हमको सीक्वेंसियल सर्किट्स हैं लैचेस एंड फ्लिप फ्लॉप्स काउंटर्स शिफ्ट रजिस्टर्स फाइनाइट स्टेट मशीन्स प्रोपेगेशनस डिले सेटअप एंड होल्ड टाइम क्रिटिकल पाथ डिले उसके बाद हमको क्या बोलते हैं मेंशन है डेटा कन्वर्टर्स उसमें है सैंपल एंड होल्ड सर्किट्स ए एडीसीस एंड डीएससीएस उसके बाद कोई सेमीकंडक्टर मेमोरीस ROM, SRAM, DRAM उसके बाद फिर कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन उसमें की मशीन इंस्ट्रक्शंस एंड एड्रेसिंग मोड्स ALU डेटा पाथ एंड कंट्रोल यूनिट इंस्ट्रक्शंस पाइपलाइनिंग उसके बाद फिर हमको मेंशन है कंट्रोल सिस्टम है ना ये हमको कंट्रोल सिस्टम मेंशन है उसमें बेसिक कंट्रोल सिस्टम कंपोनेंट्स फीडबैक प्रिंसिपल ट्रांसफर फंक्शन ब्लॉक डायग्राम रिप्रेजेंटेशन सिग्नल फ्लो ट्रांसियंट एंड स्टडी स्टेट एनालिसिसरिएबल्स मॉडल एंड सोल्यूशन ऑफ स्टेट इक्वेश उसके बाद फिर हमको कम्युनिकेशन है ना कम्युनिकेशन गिवन है अब कम्युनिकेशन में क्या है हमको रैंडम प्रोसेस ऑटो को रिलेशन एंड पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी प्रॉपर्टीज ऑफ बाइट नॉइज फिल्टरिंग ऑफ रैंडम सिग्नल थ्रू एल टी आई सिस्टम एनल कम्युनिकेशन एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन एंड डी मॉडुलेशन एंगल मॉड्युलेशन एंड डी मोडुलेशन स्पेक्ट्रा ऑफ ए एम एंड एफ एम सुपर हेट्रोडाइन रिसीवर्स इंफॉर्मेशन थ्योरी एंट्रोपी म्यूचुअल इंफॉर्मेशन एंड चैनल कैपेसिटी थ्योरम उसके बाद फिर हमको मेंशन है डिजिटल कम्युनिकेशन डिजिटल कम्युनिकेशन हमको मेंशन पी सी एम डी पी सी एम डिजिटल मॉड्यूलेशन स्कीम्स ए एस के पी एस के एफ एस के क्यू एम उसके बाद फिर बैंड विथ इंटर सैंपल इंटरफेरेंस मैप एम एल डिटेक्शन मैचेस फिल्टर रिसीवर एस एन आर एंड बी आर फंडामेंटल्स ऑफ एरर करेक्शन हैमिंग कोड्स सी आर सी उसके बाद पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स में हमको है मैक्सवेल डिफरेंशियल एंड एंड इंटीग्रल इंटरप्रिटेशन बाउंड्री कंडीशंस बिहेव इक्वेशंस पॉइंटिंग बैक्टर उसके बाद प्लेन वेव्स एंड प्रॉपर्टीज रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन पोलराइजेशन फेस एंड ग्रुप वेलोसिटी प्रोपेशन थ्रू वेरियस Media skin depth, transmission lines, equations, characteristics, impedance, uh, impedance matching, impedance transformation, S parameters, Smith chart, rectangular and circular waveguides, light propagation in optical fibers, dipole and monofold antennas, linear antenna arrays. बस यहीं तक हम लोगों का सिलेबस है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन का है ना सारा का सारा सिलेबस इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन का इतना है बढ़िया बेहतरीन तरीके से आप पढ़ाई करो है ना और देखो यूट्यूब में भी बहुत सारे कोर्सेज अवेलेबल है एन में भी अवेलेबल है ना तो ऐसा कुछ है नहीं एकदम पूरा फ्री आपके पास कंटेंट अवेलेबल है बढ़िया सिलेबस भी आपके पास बढ़िया बढ़िया अच्छे से है अच्छा ना थैंक यू थैंक यू सो मच मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में टिल देन टेक केयर बाय बाय